नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 19 अक्टूबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। SBI ने 1422 रिक्तियों के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चुनाव के लिए इस दिन होगी वोटिंग। बिहार के पूसा में कार्गो टर्मिनल बनाएंगे अडानी ग्रुप। DPED छात्रों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू। वर्ल्ड कप चैंपियन ने संभाली BCCI अध्यक्ष पद की कुर्सी। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। SBI ने 1422 रिक्तियों के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सर्कल बेस्ड ऑफिसर के कुल मिलाकर 1422 रिक्तियों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को बैचलर डिग्री पास होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 7 नवंबर 2022 है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। किसान मन चाहे जगह पर ले सकेंगे बिजली कनेक्शन, तैयारी हुई शुरू। बिहार के किसानों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार की पहल से रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS योजना के तहत कृषि फीडर की संरचना तैयार किए जाने को लेकर बिजली कंपनी ने निविदा कर दी गई है। निविदा प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद किसान खेती के लिए जहां भी बिजली कनेक्शन की मांग करेंगे वहां उन्हें बिजली कनेक्शन मिल सकेगा। बिहार बिजली कंपनी के CMD संजीव हंस ने बताया कि RDSS योजना के तहत दक्षिण और उत्तर बिहार में कुल 1555 कृषि फीडर तैयार किए जाएंगे। इसके बाद राज्य सरकार किसानों को खेती के लिए ऑन डिमांड कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने की योजना लाएगी। वहीं वर्तमान में पुरानी मुख्यमंत्री कृषि संबंध योजना के तहत राज्य में 70,000 कृषि कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात करेंगे चंद्रबती देवी की। चंद्रबती देवी एक भारतीय अभिनेत्री थी जो हिंदी के साथ साथ बंगाली सिनेमा में भी दिखाई दी। उनका जन्म आज ही के दिन 19 अक्टूबर 1909 को बिहार में ही हुआ था। उन्हें 1935 की कल्ट क्लासिक देवदास में चंद्रमुखी के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। चंद्रबती देवी ने 1929 की मूक फिल्म प्यारी में अपनी फिल्म की शुरुआत की और देवकीत बोस की पंथ क्लासिक मीराबाई में मीरा की भूमिका निभाई। साल 1992 में चंद्रबती देवी का निधन कोलकाता में 29 अप्रैल को 82 वर्ष की उम्र में हुआ था। NH-119A बनने का रास्ता हुआ साफ। इन दो जगहों की दूरी होगी कम। भारतमाला सड़क परियोजना के तहत NH-119A बनने का रास्ता साफ हो गया है। NH-119A पटना आरा सासाराम फोर लेन सड़क के निर्माण की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस परियोजना में जिले के 53 राजस्व ग्राम के भूमि का अधिग्रहण का काम करना है। इसमें 31 राजस्व ग्राम के भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा हो चुका है। बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग 119A बिहार के दक्षिण छोर से उत्तरी छोर से सीधे तौर पर जोड़ेगी जिससे सासाराम से सीतामढ़ी की दूरी कम होगी। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चुनाव के लिए इस दिन होगी वोटिंग। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इसके लिए 19 नवंबर को मतदान होगा और उसी दिन की देर रात तक मतगणना की जाएगी। वहीं चुनाव के लिए नॉमिनेशन 7 नवंबर से 10 नवंबर तक होगा। इसकी जानकारी पटना विश्वविद्यालय के कुलपति गिरीश शंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। बताते चले कि 19 नवंबर को 8 बजे सुबह से 2 बजे दिन तक वोटिंग होगी। 19 नवंबर को ही 4 बजे शाम से काउंटिंग होगी और रात तक परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे बचाएं खुद को सड़क हादसे से। सड़क हादसे से होने वाले मृत्यु के आंकड़े दिन ब दिन चिंता के विषय बनते जा रहे हैं। बिहार में होने वाले सड़क हादसे के आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं। बिहार सड़क हादसों की संख्या के मामले में तो पीछे है लेकिन हादसों में होने वाली मौतों में काफी आगे है। 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में हर 100 सड़क हादसों में 78 लोग अपनी जान गंवाते हैं। इससे बचने के लिए सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि सड़क पर चलते समय अपना ध्यान पूरी तरह सड़क पर
चलने वाले वाहनों और उसकी गति पर दें, साथ ही सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करें। ये बातें हर किसी को पता है, लेकिन फिर भी लोग अपनी जान जोखिम में डालते हैं। लगातार ड्राइविंग करते समय बीच बीच में छोटा सा ब्रेक जरूर लें। किसी घायल को देखकर मोबाइल पर वीडियो या सेल्फी लेने की बजाय उसकी मदद करें। घटना के बारे में जैसे ही पता चले आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 102 या 108 या 112 पर फोन करें। आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी की जान बचा सकती है। जमानत याचिका पर कोर्ट ने तेजस्वी को दी राहत। बीते दिन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सशरीर पेश हुए। आईआरसीटीसी मामले में सीबीआई द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज करने की याचिका पर कोर्ट ने राहत दी। बता दें कि आईआरसीटीसी घोटाला मामले में तेजस्वी यादव जमानत पर चल रहे हैं, लेकिन जज गीतांजलि गोयल की खंडपीठ ने तेजस्वी यादव को अपनी भाषा के चयन में सावधानी बरतने की चेतावनी दी है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान मौजूद रहे राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बताया कि कोर्ट ने तेजस्वी यादव को कहा कि आप एक जिम्मेदार पद पर हैं, आपकी कही बातों का बड़ा मायने होता है, इसलिए कुछ भी बोलने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि आपकी कही बातों का गलत मतलब भी निकाला जा सकता है। कुर्कीहार इस वजह से है बेहद खास। कुर्कीहार गया जिला के वजीरगंज प्रखंड अंतर्गत बोधगया से तपोवन पथ में वजीरगंज से 4 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुर्कीहार का संबंध बौद्ध धर्म एवं सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ है। यहाँ से खुदाई के दौरान भगवान बुद्ध की अनेकों कलाकृतियाँ मिली हैं, जो कि अष्ट धातु एवं कीमती काले पत्थरों से बनी हुई है। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पाए गए बहुमूल्य कलाकृतियों को पटना संग्रहालय में संरक्षित रखा गया है। इस स्थान का अवलोकन महान पुरातत्वविद कनिंघम ने भी किया था। बीएसएससी कार्यालय के सामने नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। बीते दिन बीएसएससी कार्यालय के सामने सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। ये वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने साल 2014 में ही इंटर स्तरीय इस परीक्षा में भाग लिया था और उत्तीर्ण हुए थे, लेकिन अभी तक इन अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र नहीं मिल सका है। इसी को लेकर इन अभ्यर्थियों ने बीते दिन बिहार कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों को रखा और जमकर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि विभाग जानबूझकर ऐसा कर रहा है। आपको बताते चले कि 1778 यानी कि 1778 विद्यार्थी इस परीक्षा में पास हुए थे, लेकिन आयोग ने किसी भी विभाग में इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की है। इसमें सारी की सारी गलती कर्मचारी चयन आयोग के अधिकारियों की है। बिहार के पूसा में कार्गो टर्मिनल बनाएंगे अडानी ग्रुप। पीएम गति शक्ति योजना के तहत माल ढुलाई के लिए अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर सोनपुर रेल मंडल में 2 गुड्स टर्मिनल का निर्माण कराया जा रहा है। पीएम गति शक्ति योजना के तहत मुजफ्फरपुर समस्तीपुर रेलखंड स्थित पूसा स्टेशन के पास और खगड़िया स्थित मानसी स्टेशन के पास अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल बनाया जाएगा। दोनों गुड्स टर्मिनल के लिए टेंडर हो चुका है, जो कि अडानी ग्रुप को मिला है। बताया गया है कि दोनों जगहों पर 100-100 करोड़ रुपये की लागत से टर्मिनल बनेगा। इस गुड्स टर्मिनल के निर्माण से उत्तर बिहार में औद्योगिक और व्यवसायिक गतिविधि तेज होगी। इसके बन जाने से उद्योग और कारोबारियों को जल्द से जल्द माल उपलब्ध हो सकेगा। बता दें कि लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन को आसान बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल अक्टूबर में रेलवे भूमि संशोधित नीति को मंजूरी दी थी। डीपीएड छात्रों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया हुई शुरू। बिहार बोर्ड ने डीपीएड पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण सत्र 2020-22 और 2021-23 के अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तिरहुत कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कृष्णनंदन सहाय नगर झपहौन मुजफ्फरपुर तथा मिथिला हनुमंत राष्ट्रीय स्मारक एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय इंदिरा गांधी नगर घनश्यामपुर दरभंगा में डीपीएड पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण सत्र 2020-22 और 2021-23 में नामांकित विद्यार्थियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने एवं शुल्क जमा करने हेतु प्रक्रिया 19 अक्टूबर यानी आज से शुरू हो रहा है, जिसकी अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। डीपीएड दोनों सत्रों के अभ्यर्थी अब अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट dpedbiharboardonline.com अथवा biharboardonline.bihar.gov.in के माध्यम से भर सकते हैं। आर्थिक अपराध इकाई ने नटवरलाल अभिषेक को लिया रिमांड पर। आईपीएस की पैरवी के लिए पटना हाईकोर्ट का जज बनकर डीजीपी पर दबाव बनाने वाला बिहार से पकड़ाया नटवरलाल अभिषेक अग्रवाल को आर्थिक अपराध इकाई ने रिमांड पर लिया है। अब 2 दिनों तक जांच टीम फ्रॉड अभिषेक से गहन पूछताछ करेगी। वहीं आर्थिक अपराध इकाई ने आईपीएस अधिकारी पर दबिश बढ़ा दी है। इस मामले में पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार को नंबर 1 अभियुक्त बनाया गया है। अपना नाम आने के बाद और अभिषेक अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद से अधिकारी आदित्य
आदित्य कुमार मोबाइल बंद कर गायब है, वो कहाँ है किसी को पता नहीं है। इधर आर्थिक अपराध इकाई ने बोरिंग रोड के बरिस्ता रेस्टोरेंट जहाँ पूरी तरह प्लानिंग रची गई थी वहाँ के DVR को जब्त कर अपने साथ ले गई है। बिहार DLED प्रवेश परीक्षा 2022 का रिजल्ट जारी। DLED प्रवेश परीक्षा 2022 का पेपर दे चुके अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना है। बिहार बोर्ड ने DLED प्रवेश परीक्षा 2022 का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस बात की जानकारी बीते दिन बिहार परीक्षा समिति ने अपने ट्विटर हैंडल पर दी है। BSEB DLED प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र संस्थान की वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अभ्यर्थी को अपना रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले मालूम हो कि प्रवेश परीक्षा का आयोजन 14 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक आयोजित किया गया था। अब रात में भी हो पाएगा विमानों का आवागमन संभव। दरभंगा के नए रनवे पर नाइट लैंडिंग फैसिलिटी की स्थापना हो रही है। जल संसाधन सूचना जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा ने इस बात की खुशी व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि दरभंगा जिला भू अर्जन पदाधिकारी ने रनवे की इस जमीन को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हस्तांतरित करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। रनवे विस्तार के साथ एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग फैसिलिटी CAT-1 लाइटिंग सिस्टम के अपना होने से रात में भी विमानों का आवागमन हो सकेगा। इससे उड़ानों की संख्या बढ़ाने और नए शहरों से सेवा शुरू करने में सुविधा होगी। बड़े विमानों की लैंडिंग भी होगी। कोहरे और खराब रोशनी के दौरान भी सुचारू आवागमन संभव हो सकेगा। दूषित हुई बिहार के इन शहरों की हवा। मॉनसून की विदाई के साथ ही बिहार की हवा फिर से दूषित हो गई है। लिहाजा पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, पूर्णिया, बेगूसराय, बेतिया, हाजीपुर समेत अधिकतर शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI बहुत ही खराब स्थिति में पहुंच गया है। इन शहरों के प्रदूषण स्तर में बढ़ोतरी हुई है। राजधानी पटना की बात करें तो यहां बीते दिन मंगलवार को शाम 5 बजे तक AQI 223 यानी बहुत खराब स्थिति में थी। उत्तर बिहार के शहरों की स्थिति इस मामले में बेहद खराब है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में 110 और दरभंगा में भी AQI 187 पर पहुंच गई थी। बीते 24 घंटे में पटना समेत 7 शहरों के तापमान में रही काफी गिरावट। बिहार के मौसम में तेजी के साथ बदलाव जारी है। प्रदेश से मॉनसून की वापसी हो गई है। मॉनसून प्रदेश से दक्षिण पश्चिम वापस लौट चुका है। हालांकि दिन में मौसम गर्म रहता है लेकिन धीरे धीरे शाम होते ही ठंड होने लग जाती है। इसके कारण अचानक ही मौसम में भारी बदलाव देखने को मिल रहा है। अक्टूबर का महीना है और अब ठंड की वापसी होने वाली है। इन दिनों राजधानी पटना में अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह रहा है, लेकिन सूर्यास्त के बाद तापमान 26 से 27 के आसपास पहुंच जा रहा है। पटना समेत 7 शहरों के तापमान में काफी गिरावट रही है। अक्षरा की नई फिल्म अग्नि साक्षी का फर्स्ट लुक आउट। भोजपुरी बोल्ड एक्ट्रेस अक्षरा सिंह अक्सर मीडिया की सुर्खियों में बनी रहती हैं। एक के बाद एक वह कई धांसू प्रोजेक्ट्स उनके हाथ लग रहे हैं। हाल ही में उन्होंने महिला प्रधान कहानी पर आधारित 3 फिल्में साइन की हैं। एक बार फिर अक्षरा का एक पोस्ट चर्चा में है। यह पोस्ट अक्षरा की अगली फिल्म को लेकर है। जी हाँ, अक्षरा जल्द ही फिल्म अग्नि साक्षी में नजर आएंगे। इस फिल्म से एक्ट्रेस का फर्स्ट लुक आउट हो गया है। सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीर में अक्षरा का लुक काफी शानदार लग रहा है। वह पीले रंग की जयपुरी प्रिंट की साड़ी में नजर आ रही है। इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है, एक नई कहानी जोश ऊर्जा के साथ। राजकुमार पांडे जी के निर्देशन में एक बेहतरीन फिल्म की संरचना में प्रदीप पांडे और तनुश्री के साथ नई फिल्म अग्नि साक्षी का आगाज। जदयू बोली, सुधाकर सिंह का क्या करना है तेजस्वी समझे। राजद ने भले ही जदयू को अपना लिया हो लेकिन सुधाकर सिंह नहीं अपना पाए, जिसका परिणाम आज सबके सामने है कि सुधाकर सिंह आज अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। अब भाजपा ने भी नीतीश कुमार को चैलेंज कर दिया है कि हिम्मत है तो सुधाकर सिंह को राजद से निकाल कर दिखाएं। इसी से जुड़ा सवाल जब जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से पूछा गया तो उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। हालांकि बीते दिन कैमूर में एक सभा के दौरान उपेंद्र कुशवाहा सुधाकर सिंह पर कुछ भी बोलने से बचते हुए दिखे। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि यह अलग पार्टी का मामला है। वैसे तो राजद में पार्टी को लेकर सिर्फ तेजस्वी बोलेंगे, लेकिन अगर सुधाकर सिंह कुछ बोलते हैं तो तेजस्वी समझे क्या करना है। वैसे उन्होंने क्या कहा मैं नहीं सुना। गोपालगंज में ओवैसी के पार्टी के प्रत्याशी का बदल गया चुनाव चिन्ह। बिहार में 2 विधानसभा सीट मुकामा और गोपालगंज में होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। अगले महीने 3 नवंबर को मुकामा और गोपालगंज विधानसभा सीट पर मतदान होना है। गोपालगंज सीट पर इस बार मुकाबला दिलचस्प बन गया है। 4 उम्मीदवारों के बीच कौन बाजी मारेगा ये सवाल अब 6 नवंबर तक के लिए एक रहस्य ही है। वहीं गोपालगंज में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की एंट्री हो चुकी है। AIMIM उम्मीदवार अब्दुल सलाम का
चुनाव चिन्ह बदल गया है। दरअसल चुनाव लड़ने की अनुमति भारत निर्वाचन आयोग से लेनी होती है। प्रत्याशी द्वारा अनुमति नहीं लेने के कारण उनका चुनाव चिन्ह बदल दिया गया है। इस उपचुनाव में AIMIM के उम्मीदवार को उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं दिया गया है। तेजस्वी के IRCTC घोटाला मामले में सुशील मोदी ने कसा तंज। बीते दिन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सशरीर पेश हुए। IRCTC मामले में CBI द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज करने की याचिका पर कोर्ट ने राहत दी है। तेजस्वी यादव की जमानत याचिका खारिज नहीं की है। बता दें कि IRCTC घोटाला मामले में तेजस्वी यादव जमानत पर चल रहे हैं, लेकिन जज गीतांजलि गोयल की खंडपीठ ने तेजस्वी यादव को अपनी भाषा के चयन में सावधानी बरतने की चेतावनी दी है। वहीं IRCTC मामले में सियासत भी तेज है। पूर्व डिप्टी सीएम ने तेजस्वी यादव और सुशील मोदी पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि तेजस्वी यादव बैकफुट पर हैं। CBI कोर्ट ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने तेजस्वी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो अड़े रहते, CBI को धमकी देने वाले बयान पर आपको माफी मांगनी पड़ी। सुशील मोदी ने आगे लिखा कि चार्जशीटेड और बेल वाले आदमी को नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम बना रखा है। रोहिणी ने सुशील मोदी पर कसा तंज। IRCTC घोटाला मामले में CBI को बड़ा झटका लगा है। वहीं तेजस्वी यादव को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए जमानत बरकरार रखा है। इस पर सुशील मोदी ने जुबानी हमला बोला था। अब तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने सुशील मोदी पर पलटवार किया है। रोहिणी ने ट्वीट करते हुए तंज कसते हुए लिखा कि आज सुशील मोदी को नींद नहीं आएगी, तेजस्वी यादव को जेल भेजने का सुशील मोदी का सपना टूट गया है। एक अन्य ट्वीट में रोहिणी ने कहा है कि इतिहास गवाह है, जिसने लोगों के दिलों पर हुकूमत किया, दलालों और गद्दारों की टोली ने उसी के दामन में दाग लगाने का षड्यंत्र किया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी मातंगिनी हजारा का जन्म 1870 में हुआ। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार RC बोराल का जन्म 1903 में हुआ। खगोल भौतिक शास्त्री सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का जन्म 1910 में हुआ। प्रसिद्ध शायर मजाज का जन्म 1911 में हुआ। भारतीय हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह का जन्म 1920 में हुआ। आध्यात्मिक गुरु और फिलोसफर पांडुरंग शास्त्री आठवाले का जन्म 1920 में हुआ। काशी के प्रसिद्ध साहित्यकार भोला शंकर व्यास का जन्म 1923 में हुआ। हिंदी फिल्म अभिनेता सनी देओल के नाम से प्रसिद्ध अजय सिंह का जन्म 1961 में हुआ। गांधीवादी विचारधारा से जुड़ी हुई प्रसिद्ध महिला सामाजिक कार्यकर्ता निर्मला देशपांडे का जन्म 1929 में हुआ। मशहूर किताब गुलिवर की यात्राएं के लेखक जोनाथन स्विफ्ट का निधन 1745 में हुआ। प्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक राम अवध द्विवेदी का निधन 1971 में हुआ। भारत सरकार ने 1834 से 1996 तक सभी केंद्रीय अधिनियमों का इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस तैयार करने की घोषणा 2000 में की। वर्ल्ड चैंपियन ने संभाली BCCI अध्यक्ष पद की कुर्सी। पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी जिन्होंने 1983 के वर्ल्ड कप मैच में भारत को वर्ल्ड कप जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वही रोजर बिन्नी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। बीते दिन मुंबई में अपनी 91वीं वार्षिक आम सभा बैठक के दौरान भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने रोजर बिन्नी को अपना 36वां अध्यक्ष चुना। उनके साथ सौरभ गांगुली भी मौजूद रहे। बिन्नी निर्विरोध चुने गए हैं। उनके खिलाफ किसी ने भी इस पद की दावेदारी नहीं की। रोजर बिन्नी कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ का प्रतिनिधित्व करते हैं। वायरल खबर में आज बात होगी मिलावटी दूध के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे दूध में मिलावट की वजह से होने वाले कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के बारे में। दरअसल PIB ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि यह दावा किया जा रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एडवाइजरी जारी कर कहा है कि भारत में उपलब्ध दूध में मिलावट के कारण 8 सालों में 87% भारतीय को कैंसर हो जाएगा। PIB ने इस दावे को फर्जी बताया है। PIB ने लिखा है कि WHO ने ऐसी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की है। आधार ऑनलाइन अपडेट करना चाहते हैं तो अपनाएं ये तरीका। अगर आप अपने आधार कार्ड के पते में कोई विवरण बदलना चाहते हैं तो आप इसे UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आसानी से कर सकते हैं। अपने आधार में पता बदलने या अपडेट करने के लिए आपको UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट UIDAI.gov.in पर लॉग इन करना होगा और माई आधार मेनू के तहत अपडेट योर आधार पर क्लिक करना होगा। आधार कार्ड पर अपने पते की डिटेल को बदलने या अपडेट करने के स्टेप
स्टेप्स बाई स्टेप्स प्रोसेस यहाँ पूरा करें और आपको अपडेटेड आधार कार्ड नए पते पर 90 दिनों के भीतर मिल जाएगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कॉमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है मनोज कुमार, बाबूलाल मरांडी, राजीव कुमार, विकास कुमार सिंह, चंदन कुमार, निरंजन कुमार सिंह, आर्यन कुमार, मनोज पासवान, धीरेन्द्र महतो और बद्री कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि सड़क दुर्घटना के बढ़ते मामले को देखते हुए आप इसका जिम्मेवार किसे मानते हैं? अपना जवाब हमें कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।